ये सोच के चलिए कि आप अगर पैनलिस्ट पे बैठे हो तो क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके आंसर जो है ना डेफिनेटली तैयार करके आ जाएंगे। और मैं आपसे बार बार ये कहूँगा, ये चीज़ में इंजीनियरिंग वाले हमारे इंजीनियरिंग कैंडिडेट होते हैं, इंजीनियरिंग साइड से पढ़ के आए और वो सिविल सर्विस करते हैं, तो वो पूछेंगे कि आप क्यों इंजीनियरिंग छोड़ रहे हैं और क्या चाहते हैं, आप क्या पार्टी बोलेंगे, मुझे बताइए आप क्या बोलेंगे। क्या चीज़ है जो कि इंजीनियरिंग, वो ये पूछेंगे कि आपको इंजीनियरिंग का क्या यूज़ होगा सिविल सर्विस में, आपने चार साल इंजीनियरिंग पढ़ी क्या यूज़। तो ये कि अगर आपकी पोस्टिंग किसी एक ऐसे डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री काम आ सकती है, तो वहाँ पर जैसे पीडब्ल्यूडी हो सकती है, इरिगेशन में हो सकती है, या पावर में हो सकती है, एक तो वजह है। और क्या वजह होगी, टेक्निकल फील्ड ओके, टेक्निकल नॉलेज ओके, यू विल ऑल्सो से समथिंग एल्स, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, दीज आर द स्किल्स विच कम टू यू, जो कि आपको इंजीनियरिंग करने के बाद स्वतः आ जाती है। तो आप इसमें कहेंगे कि सर इंजीनियरिंग की डिग्री का मेरा कोई आगे जाकर उसका पूरा इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल स्किल्स आ जाती है, इनका भी यूज सिविल सर्विस में प्रतिदिन होता। कोई प्रोजेक्ट मुझे बनानी है, सड़क बनानी है या कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए मुझे जो है डिसीजन भी लेने होंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी होंगे, तो इसलिए इस तरह से आप उसको मोड करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये आंसर जो है ये बेस्ट सोल्यूशन, बट कभी कभी क्या होता है कि बेस्ट सोल्यूशन पर नहीं होते, लेकिन बेस्ट उसको बनाना पड़ता है। देखिए क्या होता है कि आपको, आप जानते हैं कि जिंदगी जो है ना वो हमेशा कोई हंसी डोरी नहीं होती, और जिंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमको सही करनी होती है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें नजरअंदाज भी करना होता है। तो आप ये सोच के चलिए कि वहाँ बेस्ट आंसर जो है ना वो आप जो दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सकता है, उससे बेहतर भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में उससे जो है जो बेस्ट है ईमानदारी के साथ उसका आंसर दीजिए। मैं इसका आंसर आपने जब प्रश्न पूछा था, मैं तो ये कहता कि दोनों भाषाओं का अपना एक महत्व, और ये लुप्त होती जा रही थी, तो मुझे इस बारे इस भाषा के बारे में उर्दू के बारे में दिलचस्पी बहुत है, और मैं बहुत प्रभावित हुआ शायद से, मैंने इसलिए किया उर्दू। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने उर्दू पढ़ी है तो मैं हिंदी में भी क्यों ना करूँ, तो मुझे मैंने भूषण और तरह तरह के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर और महेश शरण गोप, ये सारे और एक चीज़ और बता दूँ, चूँकि हिंदी में किया है तो अक्सर ये प्रश्न जरूर पूछते हैं सर कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, हिंदी डे कौन सा किसको मनाया जाता है ना, कौन सी आपको महावीर वर्मा की कौन सी कृति जो है सबसे ज्यादा पसंद है ना, तो आप उसको जरा सुनाइए, फिर आप थोड़ा पढ़ के सुना देंगे कि मैं होना निराश करो उनको, कुछ काम करो है ना, तो कहेंगे किससे किससे लिखी थी इसकी, तो आप कई बार होता है कि लोग जो है उसमें याद नहीं रखते कि मैं शरण गुप्त की लिखी हुई, तो जब आप कोई चीज़ आपने किया है तो एम ए किया है तो जाहिर है कि आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आपको कितने कमी है और लिखा है, मतलब सबसे ज्यादा कौन किससे आप प्रभावित हुए हैं, रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित हुए हैं, महावीर प्रसाद से प्रभावित हुए या किसी हुए, तो ये इस तरह से आपको ये सोच के चलना है कि वहाँ पर कोई भी किसी तरह का प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, और आपका आंसर प्लॉजिबल होना चाहिए, मेरा भी तो बेस्ट आंसर प्लॉजिबल होना चाहिए। उसके बाद जो है तो मैं अक्सर पूछ लेता था कि मैं कवियों के नाम बता दीजिए जरा आप, है ना, या आपने तो हरिश्चंद्र ने लिखा था, हरिहर ने लिखा था, तो उसके बारे में कोई कोई कृति आप जो है सुना दीजिए, या नेपाल ने जो है ये जो कहा था इस बारे में आप सुना दीजिए, तो इस प्रकार से अगर आप स्टडी करेंगे तो कल को आपको इस बात का संताप नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता सब्जेक्ट के बारे में, तो शायद मेरा इस पे जो है नंबर ज्यादा ले सकते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी बता दीजिए, बस साथ ही साथ कर्म करना आपका काम है, रिजल्ट आपका हाथ में है ही नहीं। देखिए मानव को जब बनाया ना भगवान ने, तो उसने सारे जितने भी पावर्स थे ताकते थी मानव को देगी सारी ताकत, तुम पूरी तरह से कंप्लीट हो, लेकिन छह चीजें ऐसी थी जो भगवान ने मानव को नहीं दी, वो कौन कौन सी है, जीवन मरण, किसने कब जिंदा रहना है कब मरना है, जीवन मरण, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और यश अपयश, तो ये छह चीजें जो है भगवान का ये कंट्रोल मैं अपने हाथ में रखूंगा, ये मानव हाथ में रखूंगा, तो ये आपको अल्टीमेटली कितने नंबर मिले हैं इसका आपका कर्म करना है, बाकी तो देखिए परिणाम क्या मिलना है वो उसके हाथ में है, लेकिन अंत में ये इसी तरह से मन में ये विचार आना चाहिए कि शायद मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो अच्छा होगा। पर साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिविल सर्विस इज एक ऐसी चीज है जो कि ड्यूएबल है, ये बिल्कुल मैं सोचिए आपसे बहुत सारे सभी लोग ऑलमोस्ट सभी ने मेंस पास किया है, इंटरव्यू में आप आ चुके हैं और इंटरव्यू में लगभग 1:1.5 का रेशियो होता है, तो पूरे आपके चांसेस है कि आप जो है कोई ना कोई सर्विस आपको मिल जाएगी, और एक सर्विस मिलने के बाद आप फिर एक साल के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं, और पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव में रहने के बाद 1+1+1 की तैयारी करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोग सक्सेस होंगे, एक आवर सब कुछ सीख, एक आवर सब स्टडी, एक आवर एंटरटेनमेंट, घूमिए फिरिए, खेलिए कूदिए, लेकिन साथ में एक चीज याद रखिए, तैयारी करते समय मैं उनके लिए जो कि तैयारी करने जा रहे हैं कि कभी दो नाव में पैर मत रखिएगा, सिविल सर्विस की बात नहीं करनी है तो पहले जितने भी अटेम्प्ट्स हैं आपके वो कर लीजिए, लेकिन नौकरी मत ज्वाइन कीजिए, नौकरी अगर आप ज्वाइन करनी है आप ना तो उस पर ध्यान दे पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे नहीं बता पाएंगे, तो मुझे याद है मैं आपको क्या चीज़ जो है एक्सपीरियंस ही, तो मेरी दो बेटी है, तो जो छोटी बेटी है तो उसने टॉपर है और वो बेटी जो है वो टॉम बॉय है, एक तरह से तो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड शॉट पुट करेगी, जैवलिन थ्रो करेगी, टेनिस में चलेगी, बास्केटबॉल में चलेगी, हर गेम में डिबेट्स में डिस्कशंस में हर जगह पर शी वाज अ टॉपर, तो उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में फर्स्ट टॉप 10 पोजीशन उसका आया, आज सरकार पापा मैं पापा ज्वाइन करूँगी प्राइवेट सेक्टर को और मैं आपका इंटरव्यू आई हूँ बैठूंगी, मैंने कहा सिविल सर्विस का सोच लो, कहते नहीं कोई बात नहीं आप देख लिया वैसे आप, तो मैंने कहा क्या करा है बहुत अच्छी सर्विस है, कहते पापा मैं अपनी लाइफ खुद पापा खुद चलता ठीक है, तो उसने जो है कैंपस इंटरव्यू में बैठी और रात भर कैंपस इंटरव्यू चली और उसका सिलेक्शन एक कंपनी ने किया जो कि गुड़गांव की कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, तो वो बड़ी खुशी खुशी उसने जो है गुड़गांव ज्वाइन किया, तो हर मदर माई वाइफ कंपनी पर और डेली में हम लोगों ने गेस्ट हाउस हाउस से डेली अप डाउन करती थी गुड़गांव, वो बच्ची जो कि इतनी टॉम बॉय थी और सब तरह से सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थी, अचानक उस पर ब्रेक लग गया क्योंकि सुबह 7 बजे उसको उठना था और रात को 9 बजे जाना वापस आना था, तो 3 महीने के बाद उसने कहा पापा इनफ मैं सिविल सर्विस में बैठूँ मैं बेटा जरूर बैठूँ, तो उसके बॉस ने बुला के कहा कि आप कर रही हो तुम इसमें चेयरमैन बनोगे इस कंपनी में जाकर जिस तुम्हारा यंग एज में तुमने ज्वाइन किया तुम क्यों उधर सर सर्विस उसे करें, उसे कहा तुमने कहा बेटा बिल्कुल बैठो और तो उसने कहा कि पापा लेकिन सर्विस में कंटिन्यू नहीं करूँगा बिल्कुल बताऊँ उसने रिजाइन कर दिया
टॉप सर्विसेज अच्छी पोजीशन बहुत बढ़िया उसे मैं एक्सक्लूसिवली डिवोट करूंगी सिविल सर्विसेज और फिर उसके बाद उसने सिविल सर्विस की तैयारी करी और इसके लिए सबसे पहले जो मैं क्योंकि आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ नोट्स बनाए और नोट्स से भी तैयारी करी उसका कमरा अलग से जो था उसमें अलग से बैठ के वो तैयारी करती थी टेबल जो था हमेशा उसका दीवार से सटा होता था और उसकी पीठ जो है वो दरवाजे की तरफ होती थी मैं जब भी कमरे में जाता था मुझे सिर्फ पीठ दिखती थी कभी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि अगर आपका चेहरा दरवाजे की तरफ रहेगा तो दरवाजा जब जब खुलेगा तो आपको डिस्टर्बेंस होगा उसके लिए तो वो बच्ची जो कि इतनी वो थी उसने अचानक उसका सब कुछ उसने कहा एक साल के लिए मैं कुछ नहीं करूँगी सब कुछ बंद कर दिया उसने बास्केटबॉल वगैरह सब कुछ एक साल में भाई सिलेक्शन हुआ इन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स उसने कहा आई वेरी हैप्पी विद द सर्विस अच्छी वेरी हैप्पी पोस्ट की पर में एडिशनल इनकम टैक्स तो कहने का मतलब ये है कि टॉप नाउ में आप बैठ रखिएगा आप अगर अपनी निष्ठा के साथ बैठ रहे हैं और जैसा मैं फिर कहता हूँ इट इज डूएबल कोई ऐसी चीज नहीं कि आप नहीं कर सकते और इसमें जो आपको मौके मिलेंगे वो आपको किसी सर्विस में नहीं मिलेंगे एक साल के बस केवल पढ़ने की आवश्यकता तो जब मैं सिविल सर्विस की बात करूँगा तो बीच में मैं कभी कभी अपने कोर्स की सुनाना पसंद करता हूँ ताकि आप मोटिवेट हो क्यों सिविल सर्विस ज्वाइन करना है तो अब जैसे कि क्या हुआ कि एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि इस तरह के उदाहरण आपको सर्विस में एक्सपीरियंस मिलेगा तो 1986 की बात है तो मैं चंडीगढ़ पोस्ट हो गया और चंडीगढ़ में मेरे को कलेक्टर चंडीगढ़ लगाया गया तो चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी और लेकिन साथ में पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है ये मिनिस्ट्री ऑफ ऑफेयर आती है तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का कलेक्टर बहुत महत्वपूर्ण आदमी होता है क्योंकि वो 3 स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है इसके अंदर तो उस दौरान में पंजाब और चंडीगढ़ दोनों में टेररिज्म बहुत था तो टेररिस्ट आते थे आतंकवादी और मोटरसाइकिल पर आते थे एक आदमी ड्राइव करता था मोटरसाइकिल एक आदमी पीछे पिलियन पर बैठता था जो बैकसीट होती थी और वो अपने को शॉल से कवर रखता था और वो किसी किसी लोकैलिटी में आते थे वो अपना शॉल लगाता था शॉल के नीचे से 47 गन निकलती थी और वो उस पर करते हुए बुलेट्स मारते हुए लोगों को निकल जाते थे तो ये दोनों हो रहा था पंजाब और चंडीगढ़ में मेरी गाड़ी जो थी कलेक्टर की गाड़ी अम्बेसडर कार होती थी उस समय कोई कार होती थी तो अम्बेसडर कार जो थी वो बुलेट प्रूफ नहीं होती थी एसएसपी की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी क्योंकि एसएसपी को ज्यादा संभावना थी टेररिस्ट अटैक की तो लेकिन एसएसपी ने ये सावधानी रखी थी क्योंकि चाहे कोई भी हो मैच कलेक्टर कलेक्टर पर हो जाए टेररिस्ट द्वारा तो सरकार की बड़ी मतलब इज्जत की बात आ जाती है तो वो हमेशा मेरे पीछे एक जिप्सी चलाता था और जिप्सी के कमांडो बैठे होते थे और जैसे ही मेरी गाड़ी काफी सिग्नल पर होती थी कमांडो गाड़ी से कूदते थे और मेरी कार चारों तरफ से सराउंड कर लेते थे ताकि कोई आगे हैंड ग्रेनेड न फेंक दे गाड़ी के अंदर और गाड़ी चली जाएगी सो वो सिचुएशन थी शाम को 6 बजे के बाद सड़कों पर चुनाव नहीं नजर आती थी रेस्टोरेंट्स होटल्स बंद हो गए थे और स्कूलों के अंदर टेररिस्ट ने डायरेक्शन दी थी कि नेशनल एंथम नहीं प्ले किया जाएगा बिजनेसमैन को ये डायरेक्शन दी गई थी कि जितने भी बोर्ड साइन बोर्ड्स लगाओगे वो पंजाबी भाषा में होंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में नहीं कर सकते आप तो उस टेरिफाइंग कंडीशन के दौरान कई चीफ मिनिस्टर कई मिनिस्टर कई आईएएस ऑफिसर्स कई आईपीएस ऑफिसर्स चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर्स उनको टेररिस्ट ने मौत के घाट उतार दिया तो एक हमारे यहाँ वहाँ पर प्रॉब्लम लीडर थे बीजेपी के तो उनका नाम था हितम लाशी तो हितम लाशी जो थे वो 11 सेक्टर में रहते थे और उनके पास एक मारुति ओमनी कार थी तो उनके ऊपर भी टेररिस्ट चढ़ती उनके लिए पुलिस ने उनको काफी फोर्सेस दे रखी थी घर के ऊपर उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करती थी और एक पर्सन सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ 24 घंटे रहता तो वो अपनी मारुति ओमनी कार में निकलते थे आप जानते हैं कि टेररिस्ट जो है अटैक करते हैं जनरली जब गाड़ी की स्पीड जो है वो कम होती है क्योंकि एम नहीं सकते हैं ना अभी आपने देखा प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की वीआईपी की गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चलती है ताकि एम नहीं सकते तो नॉर्मली टेररिस्ट अटैक जब होता है जब वो गाड़ी काफी सिग्नल पर होती है या घर से निकले आप कार में तो स्पीड कम होती है या घर आप पहुंच रहे हैं तो स्पीड कम होती है तो एक दिन वो निकले अपनी कार में वो हमेशा ड्राइवर के साथ सीट पर बैठे थे तो टेररिस्ट आए उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बंदूक डाली और एक कोलैप्स इन द सीट वहीं पर डेथ हो गई तो पूरा चंडीगढ़ जो था वो कोहराम मच गया और भारतीय जनता पार्टी के और प्रोमिनेंट लीडर थे तो वो पूरे जिले में रैलीज करने लगे और तोड़फोड़ भी हुई उसमें काफी कुछ हुआ साथ बहुत ज्यादा प्रशासन के पति तो मैंने उनको तुरंत बुलाया मैंने कहा कि हम समझ सकते हैं इतने प्रोमिनेंट लीडर की डेथ हुई है उनका हमारा गुस्सा सबसे ज्यादा पुलिस के खिलाफ क्योंकि पुलिस का काम था कि ऐसे लोगों को निष्क्रिय करना क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट है और कम से कम एडिशनल फोर्स देनी चाहिए हमारे तलाशी के साथ तो मैं उनके साथ संविधान प्रकट करा तो मैंने कहा कि ठीक है आप क्या चाहते हो तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रैली निकालना और प्रोसेशन निकालना तो आप हमको परमिशन दीजिए तो मैंने सबकी परमिशन उनको दी और मैंने कहा कि लेकिन जो भी करना तो पुलिस को वहाँ से 500 फीट दूर रखता था क्योंकि पुलिस के प्रति उनका बहुत गुस्सा था अगले दिन उनका क्रिमिशन था और क्रिमिशन में मुझे पता था कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप वहाँ आएगी चलिए मैंने क्रिमिशन ग्राउंड सेक्टर 25 में है तो गवर्नर मेरे जो थे उनका नाम सुभाष शंकर सुभाष शंकर ने कहा कि भुजमान मैं क्रिमिशन अटेंड करूँगा मैं गवर्नर हूँ मेरी यदि भी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हूँ लेकिन गवर्नर तो सभी पोलिटिकल स्टेट का होता है तो मैं वहाँ अटेंड करूँगा तो मैंने कहा कि बिल्कुल चलिए सर पुलिस ने कहा कि नहीं सर आप जाएंगे पुलिस ने कहा कि सर सारा गुस्सा जो है ना प्रशासन के प्रति है खासतौर पर पुलिस के प्रति है अगर आप जाएंगे तो पुलिस को साथ जाना पड़ेगा और वहाँ पर अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ेगी आपको तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और वो फायरिंग होगी तो उसका नतीजा होगा कि ये चीज सिर्फ चंडीगढ़ सीमित करके पूरे देश के अंदर फैलने की संभावना है तो आप क्यों अननेसेसरी जाकर प्रोवोक कर रहे हैं निशान बजा दीजिए किसी और को भेज दीजिए नहीं हमें तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि कुछ पहुंच जाएगा वहाँ पर ठीक है अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ चैलेंजेस क्या आते हैं सिविल सर्विस में और उससे आप मोटिवेट होइए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी और उन्होंने कहा कि कुछ जाओ कहाँ से जाओ तो पुलिस ने कहा कि सर बिल्कुल जा सकते हैं लेकिन हम साथ नहीं जाएंगे क्योंकि गुस्सा जो है वो पुलिस पर तो इनके साथ भी होगी तो हमको फाइल करनी पड़ेगी और मामला और नहीं होगा तो इनको एज ए सिविलियन ऑफिसर अकेले जाना मैंने कहा अकेले जाऊंगा डेंजरस था खतरनाक था तो मैं अपने मजिस्ट्रेट को मेरे साथ लिया और मैं मजिस्ट्रेट को लेकर क्रिमिशन ग्राउंड में एंटर किया तो अचानक मेरा गनमैन वो डॉक्टर वायस का धर्मपाल कांस्टेबल था उसने कहा कि सर मैं आपको अकेले निकाल दूंगा मैं आपका शैडो मैं आपका गनमैन मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना तो इसलिए मैं आपके साथ चला मैंने कहा चला जाओ चलो हम 3 लोगों ने एंटर किया क्रिमिशन ग्राउंड में अचानक चारों तरफ से आंखें हमारी तरफ उठी और आई कुड सी उनकी आंखों में मुझे देख रहा था गुस्सा मुझे लग रहा था कि इतना गुस्सा है कि वो अगर चाहते तो कुछ कर सकते तो मैं पायर पर गया यानी जहाँ पर वो